सावा इज फेमस फॉर हाइक एंड ट्रैकिंग। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल विलेजेस काफ़ी है बाजू में जहाँ पर आप जा सकते हो। टूरिस्ट जब भी आते हैं तो ज़रूर विजिट करते हैं एंड यू विल फील कि आप एक अलग ही माहौल में हो। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आर्या और आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ सावा के एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जिसका नाम है द मोंग विलेज। पहाड़ों के बीच में है ये रिजॉर्ट। नॉर्मली लोग सावा टाउन में रुकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप सावा में हो स्पेशली तो ये पहाड़ों के बीच में रुको, क्योंकि ये नेचर के बीच में रुकने का मजा कुछ अलग ही है। दो सावा टाउन इज ब्यूटीफुल, यू कैन जस्ट गो, इट्स 5 to 7 kilometers फार फ्रॉम हियर। सावा इज फेमस फॉर हाइक एंड ट्रैकिंग। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल विलेजेस काफ़ी है बाजू में जहाँ पर आप जा सकते हो। There are lot of guides who will guide you, who will take you along with them. यहाँ पर और सारे भी guides हैं जो आपको help करेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ per day वो लोग करीबन 1000 rupees Indian rupees charge करता है, 1500 rupees तक, और depends आप कौन से guide को hire करते हो। तो आज हम देखेंगे सावा के hike करने के spot, nearest village, यहाँ पे village में कैसा खाना बनता है, लोग क्या करते हैं, and lot of fun with local foods in this resort. Let's go. काफ़ी शान जगह है, तो मुझे जानने में ये आया है कि ये विलेज विजिट करने के लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है। यहाँ पे आगे मुझे पता चला है कि ये विलेज को विजिट करने के लिए आपको देने पड़ेंगे 90,000 dong, ऑलमोस्ट 300 rupees, 250 rupees। सो दैट्स इनफ। और ये है उनका मैप, आई एम बाइंग 1 ticket फॉर मी, और ये पूरा मैप है। सो राइट नाउ आई एम हियर, यहाँ से मैं वापस 1 kilometer स्कूटर लेके जाऊँगी यहाँ तक। राइट, द पार्किंग इज हियर, वेयर इज द पार्किंग? पार्किंग इज हियर, ओके। तो यहाँ जाऊँगी, देन यू कैन एक्सप्लोर विलेज, फॉरेस्ट, वाटरफॉल, ब्रिज, मार्केट एंड सो मेनी प्लेसेस। सो लेट्स मूव माई टिकट, द टिकट फॉर काटकट विलेज। यहाँ से वेलकम हो चुका है काटकट टूरिज्म। देखते हैं फिर 1 kilometer तक तो मुझे स्कूटर चलाना है, लेट्स सी रास्ते में क्या क्या आता है। अच्छा, तो यहाँ पे दिखाना है हमें टिकट, ट्रैकिंग स्टेशन। थैंक यू। हाउ फार इट इज? तो इन लोगों को इंग्लिश समझ में आ जाती होती तो फिर तो मतलब ही क्या था। और यहाँ पर है काटकट विलेज। एक बात मैंने और देखी कि काफी कमर्शियलाइजेशन है यहाँ, क्योंकि ये सारे विलेज ना टूरिस्ट में बहुत फेमस है, और इसके लिए ये जो भी हमारे पास 200-250 rupees एंट्री फीस ली, वो यहाँ के विलेज में जो लोग लोकल बिजनेस चलाता है उनके पास ये पैसे जाता है। जो गाइड है वो लोकल विलेजेस से है जो आपको लेके लोकल प्लेसेस दिखाएंगे। बट आई मीन काफी कमर्शियलाइज्ड रॉ विलेज नहीं है, उसके लिए आपको हाइक करते करते कहीं और जाना पड़ेगा, जो हम ट्राई जरूर करेंगे आगे। सो लेट्स हैव अ लुक, देयर इज अ ब्यूटीफुल वैली ओवर हियर। बेसिकली दिस इज रोज गार्डन इन द विलेज जो टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, एंड सी दैट काइंड ऑफ कप और व्हाट एग्जैक्टली इट इज इन शेप, बट द व्यू इज इनसेन, लेट्स गो ओवर देयर। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने वियतनामी लैंग्वेज में लिखा है, नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस पे इंग्लिश एंड वियतनाम दोनों मिक्स करता है, तो अभी मैं अपना गूगल ट्रांसलेट का यूज करके आई क्लिक पिक्चर्स और फ्रॉम वियतनामी टू इंग्लिश आई ट्रांसलेट। Isn't it something really outstanding? Wow! चला रही हूँ यहाँ पे मैं ड्रोन, मिल गया मुझे रॉबिन एंड निकिता, हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे काइंड ऑफ हनीमून के लिए आए। हेलो गाइस, हाउ आर यू? या डूइंग गुड। हम लोग, पता है, सब लोग यही बात कर रहे थे, क्या वियतनाम डेवलप है, एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो लव द कंट्री। सो गाइस डू विजिट द कंट्री, इट्स ब्यूटीफुल। लाइक वो लोगों ने रिसेंटली अभी थाईलैंड भी ट्रैवल किया था, तो बोल रहे थे कि थाईलैंड से भी ज्यादा में वियतनाम अच्छा लगा। सो हम लोग गॉसिपिंग कर रहे थोड़ी बहुत, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाटरफॉल व्हिच इज नियर टू दिस।
प्लेस, सो लेट्स मूव। मोंगवा वैली के बीच में बसा हुआ ये विलेज कैटके फेमस है अपने एचमिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए। और पता है ये जो गांव के लोग हैं वो लोग टूरिस्ट को होम स्टे अरेंज करके देते हैं, यानी उन लोगों ने अपने ही घर में ऐसे रूम बनाए हैं फेसिंग माउंटेन्स एंड ऑल ये वैली व्यू के, जहाँ पर टूरिस्ट आके रुकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत नॉर्मल होता है। 300 इंडियन रुपीज से जो स्टार्ट होता है, 500-700 मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ही अच्छे होम स्टेज है तो पर डे 1000 रुपीज जा सकता है एक रात का। बट यार दैट इज द वे दीज पीपल आर अर्निंग, एंड उनका ये पूरा ये ट्रेडिशनल जो उनके आउटफिट्स है वो बेचते हैं यहाँ पर, एंड पीपल बाय ऑल्सो। तो ऊपर से नीचे स्टेप्स जाते हैं जो वाटरफॉल तक लेके जाते हैं, दिस इज द प्लेस, देयर इज कैफेज आल्सो, चिल आउट वाली जगह है एकदम, सो जाते हैं लेट्स टुवर्ड्स वाटरफॉल। गन्ने का जूस, वाह पहली बार देखा मैंने वियतनाम में, चलो तो पीते हैं। सबसे बड़ी बात लोग इतने ज्यादा आप पे ट्रस्ट कर लेंगे, पता है, यानी कुछ खा लो पी लो दूर लेके खा पी लो, पैसे ना दो पेमेंट ना दो, उनको पता है कि हम वापस आएंगे ही पैसे देने के लिए। सो हियर इज माय गन्ने का जूस, पता नहीं अब ये लोग उनकी लैंग्वेज में क्या बोलता है, बट है अपने लिए गन्ने का जूस। चीयर्स। वाओ स्वीट, इतने ब्यूटीफुल हट्स है ये सारे। दिस प्लेस इज अगेन फॉर टूरिस्ट टू क्लिक पिक्चर्स एंड सी, ये होम स्टेज है ये सारे जितने भी आसपास है ना वो सब कुछ। लविंग दिस प्लेस, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें इन लोगों ने बनाई है टू क्लिक पिक्चर्स, एंड आई एम योर माय गॉड व्हाट इज दिस। यहाँ से मुझे वाटरफॉल की आवाज आ रही है क्योंकि वाटरफॉल यहाँ से नीचे उतर के थोड़े से और स्टेप्स नीचे जाना है, देन यू सी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ये सारे राइस फील्ड है एंड सराउंडिंग लोकल्स के होम, साथ में होम स्टेज, यू कैन सी एंटायर विलेज फ्रॉम हियर। सी ये सारे ना होम स्टेज है जो गांव वालों ने बनाया है, फेसिंग ऑल दिस ब्यूटीफुल व्यूज। ब्यूटी ज्यादा है इस वाटरफॉल की, इतना कोई बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट जो जंगलों से होके गुजरते हैं लोग हाइक करते करते, थोड़ा सा हाइक है और नीचे तक जाना है, जो पानी ऊपर से दिखाया वो बहता आ रहा है नीचे तक, फील इज आउटस्टैंडिंग। सापा द क्लाउड पैराडाइज एंड हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन वियतनाम, और खूबसूरत ये कैटकेट विलेज इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अट्रैक्शंस। अगर आप सापा आते हो तब ये एंशियंट विलेज जरूर विजिट करना, यू विल बी अमेज्ड टू एक्सपीरियंस दीज वुडन स्मॉल हाउसेज एंड ये विलेज की खूबसूरती बढ़ाने वाला वाटरफॉल। सो इफ यू वुड लाइक टू वंडर अराउंड टू एंजॉय द गॉर्जियस सीनरी हियर, you can go trekking to this destination, would be fun, it will take about 20 to 30 minutes, but chalte chalte raah mein bahut aise spots dekhoge ki aap wahin pe atak jaoge। ye pyare se village ke piche ek choti si kahani hai, let me tell you, in the 19th century the local mong ethnic established Katkat village। This is the place where Hmong ethnic has lived and worked recently. Until the early 20th century, the French figured out this village and turned into a famous tourist attraction, as well as beautiful resort for vacation. So, dekh ke plan karoge na? Zarur aana. Day 2 here and we are going to visit some villages. She is the girl who will take me. Ye hai uska bike. Aur hi, what's your name? Yes, my name Miku. Miku? Yes, Miku. Okay, yes. Let's move. So, abhi jo hai, wo inke husband hai, jo unko drop karna hai. Unke peeche baithna hai. Teen log saath mein jaane wale hai. That would be some different experience. Let's move. ये जो ब्रिज है वो जाता है राइट में इलेही विलेज, दिस साइड एंड दैट साइड इज लाउचाई जहाँ हम जा रहे हैं। या क्या फील है, यू सी दिस, वाओ। आफ्टर द ब्रिज पूरा सीन ही बदल गया है एकदम से, यहाँ जंगलों के बीच में। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं लाउचाई विलेज, चारों तरफ ग्रीनरी और ये टेरेस
राइस फील्ड किस तरह से ये लोग शेप दे के मेंटेन रखते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। दिस इज टाउन लाओ चाई, कितने छोटे छोटे घर है। या वी कैन गो। सो अभी हम लोग आ चुके हैं लाओ चाई विलेज, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। नीचे नीचे चल के जाके कितना सुंदर शांत विलेज का एक फील ही अलग होता है। खाओ पियो आराम से सो जाओ, दैट्स लाइफ ओवर हियर इन द विलेज। नॉर्मली जब टूरिस्ट आता है तो ये सब विलेज को विजिट करता है, राइस फील्ड को विजिट करता है, आस पास यहाँ चल के ट्रैकिंग करता है। How? Why? River? Yes. Oh, they catch fish. Yeah. ये लोग ऐसे बनाते हैं यहाँ पे। What's your name? What's your name? Looking so beautiful, right, everyone? Hi. Yes, She's making. तो ये छोटा सा फैक्ट्री है यहाँ पर लाओ चाय विलेज, और ऐसे छोटे छोटे विलेज में लोग घर में बैठ के काम करते हैं, और सापा टाउन जहाँ इतना बड़ा मार्केट है वहाँ पर सब कुछ बिकता है। यानी सीरीज हाउ क्रिएटिव। पुराने जमाने में विलेजेस में ऐसे ही होता था, एकदम इंडिया जैसा वाइब है। फीलिंग सो गुड। वीविंग मशीन एंड द पेंट। वीविंग द हैंड्स। ओके। यस, वीविंग द हैंड्स। फाइनल लुक इज हियर। सी हाउ दे मेक कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ। Left from village and going to another village, Tawa. So these are the village जो आपने पहले देखा, Katkat, Lao Chai, Tawan. टूरिस्ट जब भी आते हैं तो ज़रूर विजिट करते हैं, एंड यू विल फील कि आप एक अलग ही माहौल में हो, सिटी से दूर। एंड यहाँ से चालू होता है अपना छोटा छोटा हाइक ट्रैकिंग, क्योंकि राइस फील्ड में अगर बीच में जाना है तो थोड़ा ट्रैकिंग करके यू कैन जस्ट गो इनसाइड, और बहुत संभाल के क्योंकि रास्ते तो ऐसे ही हैं, बट इट इज़ फन। इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया, देखो ज़रा कितने भूखे हैं। तो ऐसे हाइक करते करते ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एंड व्हेन यू वांट गुड व्यू सो नाइस। देखो जरा ये अगर आपके पीछे लग गई ना तो काट के छोड़ेगी पीछे से। बी केयरफुल। या हियर आई गो। एंड दिस फील, आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच में, थैंक्स टू हर जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। ऑलवेज व्हेन एवर यू डू हाइक और ट्रैकिंग यू नीड समवन टू होल्ड योर हैंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें अकेले मैं कभी एडवाइस नहीं करती हूँ। तो लोकल गाइड को लो साथ में एंड इन्जॉय दिस नेचर ब्यूटी और ये स्मॉल स्मॉल विलेजेस। Tawan village. This is a school? Yeah, the school. This is a really nice developed village actually, right? Yeah. Yeh toh India jaisa hi mahol hai pura. Aisa lag raha hai jaise India mein ghum rahi hoon main. Aha, they are working there? Yes, people are working at home. Are they working? Yes. Oh. Miku is sweetheart. Wo mujhe apne ghar pe leke aayi hai. सर उनके बच्चे हैं ये तीन छोटे छोटे, एंड सच अ ब्यूटीफुल होम। कैन यू सी दिस? राइस फील्ड के बीच में बसा हुआ प्यारा सा घर, क्या फील है यहाँ रहने का। इन लोगों को तो जन्नत लगती होगी सुबह दोपहर शाम, सी नेचर के बीच में ये प्यारा सा वुडन होम। सो दिस इज तावन विलेज जहाँ पर अभी मैं हूँ, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेबल विलेज अमॉन्ग टूरिस्ट, क्योंकि लोग सिटी से ज्यादा विलेज लाइफ को देखना पसंद करते हैं। वी आर सो ब्रेव, दे लिव अलोन विदाउट हर मदर एज शी कीप्स वर्किंग, और ये लोग यहाँ पर खेलते रहते अकेले। हाउ क्यूट, ब्रेव किड्स। ब्रा अमोंग जो लोग यहाँ के ट्राइब्स लोग हैं, और उनका ये ड्रेस है विच आई एम ट्राइंग टू वेयर, वो मुझे पहना रही थी। इट्स सो नाइस, शी इज आल्सो रेडी। ये मेरी साइज का तो नहीं है बट फीलिंग गुड इन लोग के कपड़े पहन के, माय गॉड। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ठंडी होती है विंटर्स में, और इतनी ठंडी होती है
इन्हों को फैन की तो जरूरत नहीं पड़ रही, बस हैवी जैकेट्स पहनते हैं. सो काइंड ऑफ ड्रेस दे वेयर, लुकिंग नाइस ट्रेडिशनल. वे पार्क योर बाइक दे नीचे और ऊपर जा रहे हैं. आई एम गोना सी फेनोमिनल व्यू. एशी सर, तो ऐसे ही छोटे छोटे जगह जहाँ पर हाइक करके ऊपर आप पहुँच सकते हो. हेलो, वियतनाम इज ब्यूटी ऑन अर्थ, सीनिक ब्यूटी एंड द पॉइंट व्हाइल गोइंग बैक टू सापा. ब्यूटी ऑफ वियतनाम, सापा. कैसा लगा आज का एपिसोड? ये बेहतरीन वादियाँ, ओह माय गॉड कितना सुंदर है. यू कैन डेफिनेटली कंपेयर विथ आवर हिमाचल प्रदेश, बट बहुत डेवलप है सापा जो आपने देखा. सो डू प्लान योर विजिट फॉर वियतनाम. एंड यस, यहाँ पर मैं मिखू का, मेरी गाइड का नंबर भी दे रही हूँ. अगर आपको उसको कॉल करना है, यू कैन बुक हर फॉर योर ट्रिप. हाइक भी कर सकते हो, ज्यादा हाइक भी करने में बहुत मजा आता है. सो आई एम गोना लीव फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल कंट्री. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कहीं और, मे बी इन इंडिया. सो देखना मत भूलना. एंड आज का एपिसोड पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन. सो मिलते हैं, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय.